करना है और अभी ये बारिश की ये हालत है। इस पहाड़ी और जबरदस्त जंगली एरिया में हमें जगह जगह रास्ते में इस तरह के वाइल्ड वॉर्म्स दिखाई देते हैं। आज सुबह से थोड़ी धूप पड़ रही है, इस वजह से मौसम बहुत ही अच्छा बन चुका है और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए ट्रैक को आगे बढ़ा सकते हैं और बातें करते रहेंगे। यहाँ पर ये जंगली मशरूम दिखाई देते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर है, उतने ही ज्यादा जहरीले हैं। इस ट्रैक में शुरू से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है और पूरे जंगल के कैंप में से ही हम निकल रहे हैं। बोलते वक्त भी सांस फूल रही है, पीठ पर है 7 से 8 किलो का बैग और हाथ में है 1 किलो की मकड़ी का जाला बना हुआ है। चलते चलते ही अगर आपको ध्यान नहीं गया तो इस जाले से टकरा जाएंगे और पूरा जाला आपके चेहरे पे चिपक जाएगा। बहुत सावधानी से और आराम से चल रहा हूँ ना। अब इस मकड़ी का साइज भी देखिए कितना बड़ा और जबरदस्त है। ये मकड़ी काट ले तो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा ना कि भैरव गढ़। बहुत सावधानी से और संभल के चलना है, सामने नजर रखनी है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, हालांकि चौकन्ना रहना है क्योंकि आस पास से भी बंदर और कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आधी दूरी में पहुंचे हैं और आधी दूरी पर ही हमारी बैटरी लगभग 50% जा चुकी है। अभी तो असली एडवेंचर तो काफी आगे है क्योंकि भैरवगढ़ के पैदल पे चढ़ना है, वो तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे ऐसे लग रहा है। लेकिन ट्रैकिंग की बहुत आदत है इसलिए ऐसी चढ़त आती जाएगी और चढ़ती जाना है। अभी काफी चढ़ाई दिख रही है, सामने बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है जिसे पूरा चढ़ना है। इन पत्थरों के बीच आपको जगह जगह पर इस तरह की खेतें दिखाई देंगे। ये देखिए हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनके ये जो पंजे हैं इनकी पकड़ में अगर आ गए हेलो तो फिर उंगली कटने से डर हाय क्या पर थोड़ा सा